Hi, I'm Shafak Naz. Catch me on Desi Feet. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा. और मतलब हम आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री और आजकल ऐसे ऐसे सोशल मुद्दे पे बात करना, इट्स यू नो दिखाना, उसका ज़रिया बनना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो मैं आई एम रियली ग्लैड कि मैं एक ऐसे सोशल मुद्दे का, जो मैंने मेरे मैंने सुना है, मैं जानती हूँ इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मुझे मालूम नहीं है, बट आई एम अवेयर ऑफ इट कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं. तो ये चीज़ें एक उसको दिखाना, रिप्रेजेंट करना, आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, कोई एक कैरेक्टर नहीं है, ये वो सारी लड़कियां हैं, वो सारी औरतें हैं जो इस चीज़ से निकली हैं और मे भी शायद अभी कहीं ना कहीं किधर निकल रही होंगी. तो मैंने जब वो पढ़ाना आई, एक नहीं आया मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में बहुत सारी औरतें और लड़कियाँ, और मैं बस वही सोच रही थी कि कितनों के साथ हुआ है. एंड इट्स अ टॉर्चर करने के लिए, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ ये करने के लिए. मैं मुझे निकलने के लिए, मेरे को एक हफ्ता गया था आफ्टर द शूट कि मैं थोड़ा सा इस जोन से बाहर निकलूँ, बिकॉज वो आपको बहुत मेंटली आप इट्स हैरेसिंग, इट्स अ हैरेसमेंट एंड इट्स रॉन्ग. ठीक है, सो सबके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बट पॉइंट ऑफ व्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं. मैं बस यही कहूँगी कि इसको रिलीजन पे ना लेकर, बिकॉज लाइक आई सेड पहले कि रिलीजन कोई भी धर्म आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं बोलता है. धर्म आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए होता है, और जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है ना, आप उसको धर्म का, रिलीजन का नाम नहीं दे सकते हैं. और इस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ. तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ बस इतना ही बोलूँगी, जो भी लोग हैं, मुझे मैं सोशल मीडिया पे भी जैसे मैं कुछ अपलोड कर रही हूँ तो मुझको भी मुझे लिख रहे हैं लोग, दे आर सेइंग थिंग्स, बट आई एम अवॉइडिंग इट. आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. ये धर्म नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, किसी एक इंसान को तकलीफ़ दे रही है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, एंड दैट इज़ रॉन्ग. That is, to me, that's not धर्म. मैं honestly बोलूँ, movie भी आएगा ना, मुझे कोई problem नहीं है इस चीज़ से कि मतलब ये digitally नहीं आना चाहिए या ये movie नहीं होनी चाहिए. Like I said, I'm glad I'm a part of such thing. और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, एक दिखाना, ज़रिया होना, at least हम दिखा रहे हैं. So ये movie पे आता है, I'll be glad to do it. Like I said, this experience मैं बहुत 15-20 दिन बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड हो गई थी. मैं ऑनेस्टली आई वॉज मेंटली ड्रेन्ड, क्योंकि हर सीन में इतना ज़्यादा होता था, एंड इट्स नॉट ईजी टू परफॉर्म एट ऑल. एंड थैंकफुली माई टीम इज सो गुड, बोथ द एक्टर्स, एजाज, आई वर्कड विद एजाज बिफोर, आई नो रवि बिफोर, सो दे मेड मी सो कम्फर्टेबल. एंड ऑफकोर्स माई डायरेक्टर, ही वॉज देयर, सो इट्स द एटमोसफेयर. तो वो एटमॉस्फेयर इतना कंफर्टेबल था कि ये निकल गया. या आप एक्ट कर रहे होते हो, इट गेट्स इनटू योर माइंड. सो इट वाज डिफ़िकल्ट, बट हर अच्छी चीज़ डिफ़िकल्ट ही होती है करने के लिए. मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी कि लोगों का क्या नज़रिया होगा, क्या नहीं होगा, या कितना चेंज होंगे, बट मैं दिल से, तहे दिल से चाहूँगी कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदले और लोग एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, या जो अगर आसपास भी इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं तो वो उनको समझाने की कोशिश करें. दैट्स यू नो दैट्स द वन थिंग मैं चाहूँगी कि हो. सो अभी फ़िलहाल मैं एक और वेब सीरीज़ कर रही हूँ, चीटर्स, नवलीन चक्रवर्ती की बुक है उसके ऊपर. आई एम डूइंग दैट, सो आई एम बिजी विद दैट. एंड प्लस मेरी अभी एक मूवी भी आने वाली है. देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पाइपलाइन राइट नाउ, एंड जस्ट दैट आई थिंक जब आ जाए होती हैं चीज़ें, आप देखते रहिए, धीरे धीरे थिंग्स विल यू नो इट्स गुड.